आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी मुझे। आजकल लड़कियों को लेके माहौल क्या चल रहा है बाहर, आप लोग मेरे से ज्यादा अवेयर हो। लड़कियां बहुत ज्यादा अनसेफ हो चुकी हैं आज के माहौल में। दुरानी जैसा संग दिल इंसान का दिल भी कभी रहम दिल बन सकता है। जी हां, आज आदिल खान दुरानी पहली बार नजर आए राखी सावंत की सपोर्ट में। आदिल खान दुरानी का कहना है कि राखी सावंत इस वक्त दुबई में है और राखी सावंत दुबई में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आदिल खान दुरानी का ये भी कहना है कि हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे और राखी सावंत से बहुत गलतियाँ होगी और बिलाआखिर हमारी नाराज़गी यहाँ तक बढ़ गई और बात डाइवोर्स तक आ पहुँची। इसी बीच मैंने राखी सावंत को डाइवोर्स देने का फैसला कर दिया और अपने लिए एक जीवन साथी तलाश कर लिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि राखी सावंत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है और राखी सावंत इस वक्त दुबई में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आदिल खान दुरानी का ये भी कहना है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि राखी सावंत इस वक्त दुबई में बेघर है और सिर्फ मेरी वजह से ही मैं राखी सावंत की सारी गलतियाँ भुला के एक बार फिर राखी सावंत को माफ़ करना चाहता हूँ और मैं अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि राखी सावंत के सारे केसेस ख़त्म कर दीजिए और राखी सावंत को देश में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो आदिल खान दुरानी का राखी सावंत पर रहम करना, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आदिल खान दुरानी राखी सावंत को माफ़ कर चुका है या फिर राखी सावंत से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका इस बारे में क्या कहना है कि राखी सावंत को वापस आ जाना चाहिए या